हेलो पंटोलोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं पावर बी आई में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यह अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, या अपन आर्टिकल्स लिखते हैं जाके चेकआउट करने का। ठीक है, आते हैं पावर बी आई में। तो पहले देखते हैं कि पाई चार्ट दिखता कैसे है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, एक गोल 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 मतलब दिखेगा, इसमें कुछ स्लाइसेस बने होंगे, है ना, छोटे छोटे, और वो कितने भी हो सकते हैं स्लाइसेस, जितना तुम फिट करना चाहो उतना। हाँ, पर ज्यादा नहीं फिट करने का, थोड़ा सा फिट करने का। तो मैं पूरा बताता हूँ, हम शुरू से बनाएंगे, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अपन के पास एक डेटा सेट है, वही सैंपल सुपर स्टोर का पुराना वाला, है ना। इसमें कुछ टेक्स्ट वैल्यूज है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कुछ डेट टाइम वैल्यूज है। पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, थोड़ा गौर फरमाना इसके तरफ। एक सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो। इफ यू हैव नंबर ऑफ कैटेगरी वेरिएबल्स एंड फॉर दोज कैटेगरीज यू वांट टू शो न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना, फॉर दोज कैटेगरीज इफ यू वांट टू शो न्यूमेरिकल वैल्यूज यू विल यूज पाई चार्ट। अब यहाँ पे दो तरह के कॉलम्स बहुत जरूरी है। यहां पर तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कुछ झंझट ही नहीं होता, है ना। तो यूज कैटेगरी कर वेरिएबल्स विच हैज लेस देन 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अब हाँ, ये एक रूल है, ये भी याद रखना कि जो कैटेगरी कर वेरिएबल्स तुम यूज करोगे उसकी वैल्यूज लेस देन 5 होनी चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाएगा। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पाई चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लो, फिर उसको ड्रैग कर लो। ठीक है, ये ड्रैग हो गया। अब क्या करते हैं कि हमारे पास फील्ड्स कौन कौन सी है विजुअलाइजेशंस में, तो गौर फरमाओ। लेजेंड्स और वैल्यूज, ये दो फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स भी है बट वो बाद में बताता हूँ। लेजेंड्स और वैल्यूज, वैल्यूज में आप हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज शो करोगे, इतना याद रखना, न्यूमेरिकल वैल्यूज, नॉट टेक्स्ट वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज। और लेजेंड्स में आप कैटेगरिकल वैल्यूज शो करोगे। कैटेगरिकल मतलब जिसमें कैटेगरीज हो, और उसमें रूल क्या होगा कि वो 5 या 5 से थोड़े कम, लेस देन 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरी वैल्यूज हो। जैसे ये अपने पास एक कॉलम है कैटेगरी नाम का, और उसके अंदर तीन तरह की कैटेगरीज है, कौन कौन सी, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई। इस कैटेगरी को हम लेजेंड्स में ले आते हैं। ठीक है, और वैल्यूज में हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ले आते हैं, जैसे सेल्स हो गया, हम सेल्स को वैल्यूज में ले आते हैं। अब देखो ये लेजेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, इसको अनोटेशन भी कहते हैं। अब ये किस तरह की वैल्यू शो कर, इंफॉर्मेशन शो करता है, और इसको हमें किस तरह से बता सकते हैं। तो जब भी आपको किस चार्ट के बारे में बताना हो या पता करना हो कि किस बारे में है, तो हमेशा उसका टाइटल पढ़ो। लेट्स रीड द टाइटल विच इज ऑन द टॉप लेफ्ट, सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। इसमें क्या समझ में आता है कि सेल्स का सम है, तो ठीक है, ये सेल्स 100% में होगा और डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड कैसे होगा, बाय कैटेगरी, है ना। तो तीन कैटेगरी है हमारे पास, और वो हर एक कैटेगरी एक छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइडेड है। तो ये हो गया एक स्लाइस और उसका पूरा एरिया, ये हो गया दूसरा स्लाइस, और ये हो गया तीसरा स्लाइस, बराबर। तो ये पूरा होल 100% में आता है ना। ये तो हो गया लेजेंड्स और वैल्यूज। अब क्या होता है कि लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे ऊपर चार्ट के ऊपर फोकस पॉइंट दिख रहा है, उसको क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा ऑप्टिमम पोजीशन ले लेगा ऑन आवर रिपोर्ट व्यू विंडो। ये रिपोर्ट व्यू जो विंडो है, ये पूरा ऑप्टिमली यूज कर लेगा। ठीक है, हम इसको बैक भी कर सकते हैं। तो ओके, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो पाई चार्ट में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करते, इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई डीप इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है नहीं। पाई चार्ट में आप खाली ये बताते हो कि आपके पास एक अमाउंट है, तो हर एक कैटेगरी में वो अमाउंट कैसे डिवाइडेड है, कितने परसेंट में डिवाइडेड है। लेट्स से कि पूरी कैटेगरी का अमाउंट 100% है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल कैटेगरी, सिंगल स्लाइसेस का अमाउंट उस होल कैटेगरी में कितना है, कितने परसेंट है, तो यही बताने के लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं, बराबर। अब लेजेंड्स देखो, ये लेजेंड्स, हम लेजेंड्स को थोड़ा ये कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सेंटर राइट में है तो ठीक है, यही पर रहने दो। उसके टेक्स्ट की वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं,
जैसे भी आपको चाहिए, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लेजेंड्स हो गया। उसके बाद स्लाइसेस, स्लाइसेस देखो, स्लाइसेस के आप कलर चेंज कर सकते हो। हमारे पास तीन कैटेगरी है, तो पावर बी आई ने ये पहले ही डिटेक्ट कर लिया। पावर बी आई इंटेलिजेंट टूल है ना, तो इसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि अपने पास तीन कैटेगरी हमने सिलेक्ट करी है इस कॉलम में, तो उसके क्या क्या कलर्स हो सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स देखो, डेटा पे लेबल्स है, पर वो किस तरह के लेबल्स हैं, ये आउटसाइड दिखाई दे रहा है, पोजीशन उसका आउटसाइड है, हम उसको इनसाइड भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे आपको अच्छा लगे। इनसाइड में भी अच्छा लग रहा है। और क्या है उसमें, और है लेबल कंटेंट। लेबल कंटेंट में देखो, वो डेटा दिखा रहा है, डेटा वैल्यू और परसेंट दिखा रहा है, परसेंट ऑफ टोटल, तो ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, पर ये कैटेगरी का नाम नहीं बता रहा है। आपको कैटेगरी का नाम देखने के लिए हमें इस कलर को देखना पड़ रहा है और इस लेजेंड को देखना पड़ रहा है, लेजेंड टेक्नोलॉजी, तब हमें जाके पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है। हम क्या करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी नाम डायरेक्टली इधर ही दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑल डिटेल्स लेबल्स दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे वो नाम भी दिखाई देगा जो कैटेगरी का है, कैटेगरी टेक्नोलॉजी, उसकी वैल्यूज और परसेंट में कितनी वैल्यूज है एज अ होल, वो भी बताएगा। तो इस तरह के आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। रोटेशन देखो, आपको रोटेशन करना है तो अभी तो फिलहाल जीरो रोटेशन ही रखते हैं, आप वो भी कर सकते हो। कुछ साइड इफेक्ट्स उसको देने होंगे तो आप यहाँ से वो इफेक्ट्स शो कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप फॉर्मेट के थ्रू कन्वे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल पाई चार्ट हो गए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डीप इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, यानी एक सिंपल है। तो बस यही था, आगे हम डोनट चार्ट की तरफ देखेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक गुगु गागा। जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ।